बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स में एग्जांपल नंबर 8 रिक्वायरमेंट्स में प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2018। हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास अपने पेपर्स के अंदर इसका फॉर्मेट बना बनाया होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। हम लोगों ने जस्ट जाकर वैल्यूज को पुट करना होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज को जाके पुट करना है और मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से गेन करने हैं। इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, जैसा फॉर्मेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसा कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा ही आपके एग्जाम में ये सारी चीजें गिवन होंगी। सिर्फ यहाँ पर आपके पास बॉक्सेस होंगे जो कि वैल्यूज आप लोगों ने खुद पुट करनी होगी। और इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इस फॉर्म में कि कंप्लीट नॉन करंट एसेट्स की WDV हम लोगों ने आके यहाँ पे पुट करनी होगी। जबकि करंट एसेट्स में हमें डिफरेंट करंट एसेट्स के नेम्स गिवन होंगे और वो तमाम करंट एसेट्स हम लोगों ने आके यहाँ पे मेंशन कर देने होंगे। ऑनर्स इक्विटी की बात करें तो कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स की बात आ रही है, करंट लाइबिलिटीज तो नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे हमें कोई नजर नहीं आ रही। ऐसा हो भी सकता है कि हमारे पास कोई नॉन करंट लाइबिलिटी हो तो यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी और उसका बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अब हम लोग ने देखना है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। सिर्फ एक मरतबा आपने इसको रीड करना है कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। जैसे कि हमें पता चला कि इक्विपमेंट की कॉस्ट बताई गई, साथ में इक्विपमेंट की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 1 जुलाई 2017। व्हीकल्स हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में मौजूद हैं तो उनकी भी ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट मींस दैट फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट भी बनेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दी, जैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है इट मींस दैट कि हम लोग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ओ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करके इसकी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1 जुलाई 2017 ओपनिंग इंश्योरेंस का प्रीपेड हमें बता दिया गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग 140, साथ में एडवांस 384, बैंक डिपॉजिट्स हम लोगों ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है जो कि 1 फरवरी 2017 को डिपॉजिट किया गया एट अ रेट ऑफ 7% और जो अमाउंट डिपॉजिट की गई वो 1400 रुपीज। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 620, कैपिटल 16,000 का। इसी तरह से ट्रेड पेएबल्स हैं, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, सेल्स की वैल्यूज, परचेजेस, रिटर्न्स। अब रिटर्न डेबिट क्रेडिट साइड दोनों पे हैं तो जो डेबिट साइड पे रिटर्न है ये हमारी सेल्स रिटर्न, जबकि क्रेडिट साइड में जो अमाउंट हमें दी गई है ये परचेजेस रिटर्न। सैलरीज एंड यूटिलिटीज, रेंट, डिस्काउंट्स, अब डिस्काउंट्स भी डेबिट क्रेडिट दोनों दे दिए गए तो डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, जबकि क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स गिवन है यहाँ पर। अगर बैड डेट्स आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में मिल जाए इट मींस दैट के वो आपके रिसीवेबल्स में एडजस्ट हो चुके हैं, आपको ये एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये बैड डेट हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट हो तो अपने क्लोजिंग रिसीवेबल्स में से हमें इन्हें एडजस्ट करना होता है। साथ में हमारे पास है इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट, वो जो बैंक डिपॉजिट हमने किया हुआ है 1400 का, उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है वो 82 की हमें रिसीव हो चुकी है इनकम। फर्दर इंफॉर्मेशन देखें, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री वॉज रुपीज
7400 अमाउंट्स इन रुपीज, 1000 हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग इसको 7400 रीड कर लेंगे। इन्वेंट्री इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 240 विच वर डैमेज इन द वेयर हाउस, दीज गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 250 आफ्टर इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 16। अब ऐसी सिचुएशन में बेटा सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है, इन फर्दर इंफॉर्मेशन में अब आपने जरा अपने सॉल्यूशंस को भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाना है। जैसे अब यहाँ पर बात करें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है, हमारे मुताबिक जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की गई उसकी वैल्यू 7400 है, लेकिन यहाँ पर हमें एनआरवी लॉस एनआरवी एडजस्टमेंट्स को भी देखना होता है। अब देखिए जो हमारे पास गुड आइटम्स हैं वो अपनी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगे, उनकी एनआरवी हमेशा ग्रेटर होती है तो इस वजह से कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो डैमेज आइटम होते हैं ना हमें उनकी एनआरवी की कैलकुलेशंस करनी होती है। अब डैमेज आइटम्स की कॉस्ट 240 है, अब कॉस्ट का कंपैरिजन एनआरवी के साथ करेंगे एंड विच एवर इज लोअर उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो जाती है। एनआरवी हमारे पास क्या होती रहती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो कि 250 है, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो कि हमारे पास 16 है, तो हमारे पास जो एनआरवी की वैल्यू आ जानी है वो 250 -16 इज इक्वल टू 234। अब हमारे पास कॉस्ट 240 जबकि एनआरवी 234, तो हम लोग अपनी इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे उसकी एनआरवी पर 234 पर, तो आप लोग देखें हमें इन्वेंट्री में राइट डाउन करना पड़ेगा 6000 का। तो सिंपली आप लोगों ने अपने पास जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट था 7400 का उसमें से आप लोग माइनस कर देंगे 7400 -6, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 7394, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दो जगहों पे यूज होगी, एक तो इस्तेमाल होनी है कॉस्ट ऑफ सेल में और दूसरा इसमें इस्तेमाल हो जाना है आपके करंट एसेट्स में। तो आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे, अब आप लोगों ने मार्क्स भी साथ साथ गेन करते जाने हैं, तो अपने करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक जाके रिकॉर्ड कर देंगे 7394 का, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल में यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, परचेजेस गिवन है, रिटर्न्स गिवन है, डिस्काउंट्स गिवन है, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक मरतबा एडजस्टमेंट देख लेनी है कि कहीं परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं या डिस्काउंट्स वगैरह में, तो अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो रही होगी, तो इनिशियली आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल की कोई वर्किंग नहीं करनी। अब इस पॉइंट में से हाफ पोर्शन हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं एज अ करंट एसेट, हाफ कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट देखें क्या गया, रेंट इंक्लूड्स पेमेंट्स ऑफ एनुअल रेंट ऑफ ₹240 एक्सपायरिंग ऑन 30 नवंबर 2018 फॉर ऑनर्स रेजिडेंस। अब बेटा जैसी बात आ गई ना ऑनर्स के रेजिडेंस की, तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये रेंट एक्सपायर कब हो रहा है, हमने टोटल अमाउंट देखनी है कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो अगर ऑनर्स के रेजिडेंस के लिए बिजनेस ने रेंट पे किया है तो ये टोटल अमाउंट हमारी ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जानी है, तो आपने रेंट में जाकर एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या एडजस्टमेंट्स हैं कि रेंट की अमाउंट में से आप लोगों ने 240 माइनस कर देना है और जो हमारे पास ये 240 है हमारी ड्राइंग्स का पार्ट बन जाएगा। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर हमें ड्राइंग्स गिवन, इन ड्राइंग्स में आप लोगों ने जाकर 240 ऐड कर देना है, ये इसकी एडजस्टमेंट्स हो जानी है। और यही काम आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में करते रहना है कि रेंट एक्सपेंस एडजस्ट हो जाएगा 240 के अगेंस्ट और आपकी ड्राइंग्स 240 से इंक्रीज हो जाएंगी। अब आपका सेकेंड पॉइंट अकाउंट फॉर हो चुका, थर्ड पॉइंट की तरफ चलें, इसी तरह से आपने तमाम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते जाना है, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने पर है। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 2018। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ पर
प्रीपेड इंश्योरेंस बताई गई थी 1 जुलाई 2017, और अब हमें एडजस्टमेंट्स में बताया गया है कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस बेसिकली 1 जनवरी 2018 तक का था, मतलब 7 मंथ्स, 1 जुलाई से लेकर 31 जनवरी तक 7 मंथ्स का इंश्योरेंस एक्सपेंस हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे, जो कि 140 था। उसके बाद वाइल इंश्योरेंस प्रेजेंट्स एनुअल प्रीमियम, तो जब ये एक्सपायर 31 जनवरी को हो रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 फरवरी 2018 को जो हम लोगों ने इंश्योरेंस पे की, वो हमारे पास 300 की आ गई। अब ये भी एनुअल इंश्योरेंस है, तो इसने जाकर एक्सपायर हो जाना है 31 जनवरी 2019 को। मतलब हमारे अगर इस साल की बात करें, तो इस साल में 7 मंथ्स की इंश्योरेंस हमें यहां से मिलेगी और 5 मंथ्स का इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें यहां से मिलेगा, तो ये 1 ईयर का इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अगर देखें इस 300 में, ये 12 मंथ्स के लिए है, 5 मंथ्स के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा, जबकि 7 मंथ्स का ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बन जानी है। अब देखें एनुअल प्रीमियम विच इज एक्सपायरिंग ऑन 31 जनवरी 2019। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग सिंपल वे में जाएं, इस 300 में से करंट एसेट फाइंड कर लें। कैसे? 300 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हमारे पास करंट एसेट है, ये हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पर आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल 175। ये 175 हमारे पास हमारा करंट एसिड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आप लोग अपने करंट एसिड में जाकर देखें कि प्री पेमेंट्स आपको नजर आया, इन प्री पेमेंट्स में जाकर 175 आप लोगों ने ये रिकॉर्ड कर देते हैं। अब अगर एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग इसको एक टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंश्योरेंस एक्सपेंस में 140 टोटल 7 मंथ्स का ये एक्सपेंस बन जाएगा, प्लस इस 300 में से 5 मंथ्स का एक्सपेंस आ जाएगा। तो टोटल आप लोगों के पास इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या आ जाना है, इस 300 में से आप लोगों के 5 मंथ्स के लिए एक्सपेंस प्लस 140 जो प्रीवियस ईयर आपने इस साल का पे किया हुआ था, तो टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका आ जाएगा 265 का। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ऑन 29 जून 2018 मीन्स अकाउंटिंग ईयर एंड होने से एक दिन पहले, डिसऑनर्ड चेक ऑफ ₹285 वॉज रिटर्न बाय बैंक, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स फॉर दिस रिटर्न, दिस चेक वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर नेट ऑफ 5% सेटलमेंट डिस्काउंट। अब बेटा देखें, ये जो चेक के ऊपर अमाउंट होती है, ये हमेशा नेट अमाउंट होती है। जब हम लोगों ने ये चेक रिसीव किया था, तो ये 5% डिस्काउंट के ऊपर हम लोगों ने अपने रिसीवेबल से रिसीव किया, तो अब वो चेक डिसऑनर हो चुका है। जब डिसऑनर हो चुका है, तो डिसऑनर की एंट्री अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई। अब डिसऑनर की अगर एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने अपने जो बैंक को उस टाइम पे डेबिट किया था, उस बैंक को अब आप लोगों ने क्रेडिट कर देना है 285 से। अब रिसीवेबल्स को आप डेबिट करेंगे, लेकिन रिसीवेबल्स को डेबिट 285 से नहीं करेंगे, उसकी ग्रॉस अमाउंट के साथ करेंगे, मतलब अब आप उसको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो आपके पास ये जो 285 था, ये 5% डिस्काउंट के बाद 95% अमाउंट थी, तो आप इसको करेंगे 285 डिवाइडेड बाय 5% डिस्काउंट के बाद 95% अमाउंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास ये रिसीवेबल ग्रॉस अमाउंट के साथ डेबिट हो जाएगा 300, और जो उस टाइम पे आप लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया था, उस डिस्काउंट अलाउड का अब आप लोगों के पास एक किस्म का रिवर्सल आ जाना है, और ये रिवर्सल आपके पास इधर क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड 15 के साथ, इसी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जानी है। अब अगर आप लोग देखें, तो रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे 300 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट नेचर है, यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है, 15 से डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक बैलेंस 285 से डिक्रीज हो जाएगा। अब ये तीन एडजस्टमेंट जाके आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जाकर ट्रेड रिसीवेबल्स में ऐड कर देने हैं 300, फिर
डिस्काउंट्स अलाउड की अगर हम लोग बात करें तो डिस्काउंट अलाउड 15 का उसका रिवर्सल हो गया, तो यहां से -15 कर देंगे। और आपके जो बैंक के बैलेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे 285 के साथ। ये इसकी एडजस्टमेंट्स आ जानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एसटी मेंटेन्स 4% प्रोविजन अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। कोशिश कीजिएगा बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों के पास प्रोविजन से रेलिवेंट एंड डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट, ये आप लोगों ने हमेशा सबसे एंड पे जाके करना है, क्योंकि रिसीवेबल्स में कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास आ सकती है तो उसकी वजह से प्रोविजन के बैलेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि 4% प्रोविजन चार्ज करनी है लेकिन सबसे लास्ट में जाकर। फिर देखें, कहते हैं एडवांस रिप्रेजेंट्स 40% पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल। अब अगर आप लोग अपने ट्रायल बैलेंस में देखें ना, तो हमें यहाँ पर एक एडवांस की अमाउंट नजर आ गई थी 384 की। अब हमें इस 384 के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ये 40% अमाउंट है व्हीकल्स को परचेज करने के लिए, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर 2018। तो अब हम लोग जून में हैं, जुलाई अगस्त सितंबर आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग ने रिमेनिंग 60% पे कर देना है। नो एंट्री वॉज पास्ड वेन द व्हीकल वॉज डिलीवर्ड ऑन 1 जून 2018, जबकि व्हीकल हमारे पास 1 जून को आ चुकी है, डिलीवर हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। अब देखें, जब इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी ना, तो एंट्री हमारे पास बन जानी है व्हीकल्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम लोग एक तो करेंगे अपने एडवांस को और दूसरा हमारे पास पेएबल्स आ जाएंगे। अब एडवांस फुल अमाउंट के साथ जो हमें गिवन था 384, ये हमारे पास एडवांस की अमाउंट यहां से कैंसिल हो गई। अब व्हीकल्स को कितनी अमाउंट से डेबिट होना चाहिए, तो उसका आइडिया हमें अपने एडवांस के अमाउंट से होना है। एडवांस की अमाउंट बेसिकली 40% है, तो 384 डिवाइडेड बाय 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, 960। तो 960 के साथ आपने व्हीकल्स को डेबिट कर देने। अब इसमें से 384 आप एडवांस के तौर पे पे कर चुके हैं तो ये माइनस कर दें, और जो रिमेनिंग बैलेंस है 576 ये पेएबल्स के तौर पर आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आपने एक तो अपने व्हीकल्स को इंक्रीज कर देना है 960 के साथ, हमारे पास यहाँ व्हीकल्स का बैलेंस मौजूद है, प्लस कर देंगे 960, एडिशन हो गई, साथ में ये एडवांस हमारे पास कैंसल हो जाएगा, और दूसरा जो हमारे पास पेएबल्स मौजूद हैं क्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, इनमें जाकर हम लोग ऐड कर देंगे 576। ये इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास हो जानी है। अब ये वाला पॉइंट हम लोग अकाउंट फॉर कर चुके हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एसटी डेप्रिशिएट्स इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स एट 15 एंड 25% रिस्पेक्टिवली यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बेटा इक्विपमेंट में हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 15% और व्हीकल्स में 25%। जैसे ही आपकी ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए, बस अब आपका काम स्टार्ट हो चुका है। अब जस्ट आप लोगों ने पोस्टिंग करते जाना है और आपको आपके मार्क्स मिलते जाएंगे। जैसा कि इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में किसी किस्म की कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सिंपली हमें यह कहा गया कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम 17,000 में से लेस करेंगे 4,800। ये WDV, इस WDV का 15% चार्ज करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, और ये हमारे पास बनता है 17,000 माइनस 4,800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू 1,830। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे हमारे पास चला जाएगा, जबकि जो हमारे पास इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17,000 माइनस 4,800 माइनस ये जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया था, तो इक्विपमेंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10,370। अब अगर आप लोगों को याद हो तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो हम लोगों ने
नॉन करंट ऐसे लिखने थे, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल बैलेंस जाके रिकॉर्ड करना था, सिर्फ इक्विपमेंट नहीं लिखना था। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको साइड पे लिख दिया और वर्किंग करने लगे व्हीकल्स के बारे में। व्हीकल्स में देखें तो जो एडिशन हुई है ना 960 की, ये 1 जून को हुई है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही चार्ज होनी। अभी सबसे पहले आप लोगों ने ओपनिंग WDV लेनी है और वो हमारे पास आएगी 3000 माइनस 1200। तो जब ये किया तो 1800, 1800 का 25% आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वो हमारे पास बन गया 450। उसके बाद आप लोगों ने 960 मल्टीप्लाइड बाय 25% एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/12, यहाँ से ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेना है। 960 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इज इक्वल टू 20 का डेप्रिसिएशन यहाँ से, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया 470 का। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास 3960 के टोटल एसेट्स की कॉस्ट 1200 प्लस 470, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड कर दें तो आपके पास जो क्लोजिंग आना है वो 1670। अब आप लोग ने जाकर व्हीकल्स की WDV फाइंड कर लेनी है, 3960 माइनस 1670 इज इक्वल 2290। और यहां पर देखिए आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस 2290 प्लस 10370 इज इक्वल टू 12660। और आप लोगों ने जाकर ये WDV ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर देनी है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसके होते हैं और आप लोगों ने इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा केयरफुली करनी है और आपको इसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और ये आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट एक टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोग देखें ना तो आप इन चीजों के साथ डील कर चुके हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ पे यूज होती रहती है, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो देखिए कॉस्ट ऑफ सेल को कैलकुलेट अब किया जा सकता है क्योंकि हम सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें कॉस्ट ऑफ सेल के लिए, वैसे ये सारा काम आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कर लेना है, जैसे कि 5500 आप लोग जाके सिर्फ कैलकुलेटर पे वर्किंग किया करें कुछ इस तरह से। ओपनिंग इन्वेंट्री 5500 प्लस परचेजेस। अब देखें आपके पास परचेजेस कितनी अमाउंट की आ रही है, तो आपको यहां से आपकी परचेजेस का पता चल जाएगा और आपकी परचेजेस है 21,000। ये आपके पास परचेजेस आ गई। फिर आपने इसमें से लेस कर देने हैं रिटर्न्स 750, लेस कर देना है डिस्काउंट्स 220 और लेस कर देनी है आपने इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। तो आप देखें आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू 7394 इज इक्वल टू 18136, ये आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे और कॉस्ट ऑफ सेल को रिकॉर्ड कर देंगे 18136। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपने इधर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कंप्लीट करना है और उसके बाद जाकर आप लोगों ने बाकी काम करने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो अमाउंट्स जहां पर नजर आए आप लोगों ने अपने पास उसको रिकॉर्ड करते रहना है। तो हम लोग इन चीजों की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। अब आप लोग चलें ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल एडजस्टेड हो चुके हैं 5350 प्लस 400, तो मेरे पास एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल आ गए 5650। अब यहां पर देखिए हमारे पास 220 हमारे पास ओपनिंग प्रोवियन का ओपनिंग, ये देखें यहां पर प्रोवियन का ओपनिंग आ जाएगा 220 ब्रॉट डाउन। और कैरी डाउन हमारे पास कैसे आएगा, एडजस्टेड रिसीवेबल्स का 4% 5650 इन 2.04 4% 226 226 ये क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर देखें ना तो एडजस्टेड रिसीवेबल्स में से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं 5650 माइनस आंसर
तो ये हमारे पास नेट रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएंगे, 5424। इनको जाके सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हैं, ये 5424। अब हम लोग चलते हैं इससे रेलिवेंट एक्सपेंस। तो हमें याद आया कि यहाँ पर हमारे पास बैड डेट भी मौजूद है, तो इस बैड डेट को अपनी प्रोविजन का ही पार्ट बना दें यहाँ पर। और इनकम स्टेटमेंट में देखें कि आप कितना एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ये देखें आपके पास वैल्यू आ रही है क्लोजिंग 226 प्लस 106, इसमें से लेस करते हैं 220, तो 112 आपके पास एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस हमारे पास 112 के हिसाब से चला जाएगा। ये एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपने रिसीवेबल्स में को करंट एसेट्स में जाके रिकॉर्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, इसकी वर्किंग हो गई, ये हो गए प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका एक्सपेंस वगैरह कैलकुलेट कर चुके हैं। और इस करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड है वो हम लोग ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया। एडवांस के बारे में हमें पता चल गया कि व्हीकल से रेलिवेंट था। बैंक डिपॉजिट, बेटा बैंक डिपॉजिट की अभी और कोई बात नहीं की गई, तो 1400 आपने अपने पास एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड कर देना है बैंक डिपॉजिट साथ में। अब देखिए ये फर्स्ट फेब मतलब प्रीवियस ईयर में लिया था, तो इस साल तो टोटल इनकम हमारे पास बननी चाहिए, तो आपने पूरे साल के लिए इनकम आनी चाहिए थी। 1400 का 7% देखें तो ये 98 मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ रही है, 98। एक तो आप लोगों ने अदर इनकम के तौर पर जाकर इंटरेस्ट इनकम 98 रिकॉर्ड कर देनी है, दूसरा आप रिसीव कर चुके हैं 82, तो 98 में से 82 रिसीव कर लिया, जो रिमेनिंग 16 है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड हो जानी है। तो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएं तो आपको पता चला आपके पास यहाँ पर अदर इनकम आ रही थी, अदर इनकम वो आपकी फिक्स डिपॉजिट की इनकम 98, आप वो रिकॉर्ड करें। 82 इसमें से रिसीव हो चुका है, जो हमें ट्रायल बैलेंस में वैल्यू नजर आ रही है वो अमाउंट रिसीव्ड है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे पास रिसीवेबल्स इंटरेस्ट रिसीवेबल्स के तौर पे जाके रिकॉर्ड हो जानी है, और 1400 का बैंक डिपॉजिट हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखें, अब देखा आप लोगों ने कि जस्ट हम लोग पोस्टिंग करते जा रहे हैं। बैंक डिपॉजिट के बाद देखें कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 620 में से 285 माइनस कर दें, 620 माइनस 285, तो आपके पास 335 कैश एंड बैंक बैलेंसेस आ जाएंगे। तो ये 335 आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू देखें, कैपिटल के अमाउंट एज इट इज जाके लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। ड्राइंग्स के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है 592, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे 592, इसको जाके रिकॉर्ड कर देना है 16,000। ट्रेड पेबल 3,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज रिकॉर्ड करनी है। जबकि अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो 2096 की हमारे पास ये पेबल्स आ जाते हैं। तो देखें कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के पोर्शन में जाके सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास 16,000 का कैपिटल, 592 की ड्रॉइंग्स, और आपके पास 3,500 के पेएबल्स, 296 के आप लोगों के अदर पेएबल्स आ जाने हैं, ये आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर दिए। फिर आपके पास यहाँ पर सेल्स की वैल्यूज आ रही हैं, तो सेल्स की वैल्यूज के लिए नेट सेल्स बतानी है, तो 32350, इसमें से लेस कर दें रिटर्न्स 950, और लेस कर दें डिस्काउंट्स, और ये जो डिस्काउंट है 270 माइनस 15 इज इक्वल टू 255, तो 255 लेस करें, तो ये आपके पास नेट सेल्स की वैल्यू 311,45, 311,45 ये जाके आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स के बाद परचेजेस की रिकॉर्डिंग हो गई, रिटर्न्स की रिकॉर्डिंग हो गई, ये आपके पास एक्सपेंसेस आ गए। रेंट भी आपके पास एक्सपेंस के तौर पर आ जाएगा 760 का। डिस्काउंट्स हम लोग 255 के ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अदर एक्सपेंसेस 480, इंश्योरेंस हम लोग 265 का लेके जाएंगे। बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग ऊपर 112 में हो चुकी है प्रोविजन में, एंड इंटरेस्ट इनकम की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्लोजिंग टच देना है, उसके लिए बेटा कोशिश करें कि ये जो एक्सपेंसेस है ना, इन एक्सपेंसेस को आपने बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर रखना है।
ताकि आपके आपकी अगर आप लोग एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन पे जाते हैं, आपको काफी सारा टाइम लग जाना है, तो आपने ना एक्सपेंसेस को बैलेंसिंग वैल्यू के ऊपर रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये आके यहाँ पे आप पुट करते हैं, लेकिन आप ये वाली वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि आपने एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए। अब आप क्या करें, अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएं, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए हमारे, करंट एसेट्स हमारे कंप्लीट हैं, आपने इनका टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड किया, इन दोनों का टोटल आप लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर दिया 27404, यही टोटल आप लोगों ने आकर यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपको करंट लाइबिलिटीज के टोटल का पता चल गया, ये आपके पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास कोई नहीं है, अगर होती तो हम उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप कैपिटल की ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड करें, क्योंकि आप ये वाली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, आपने 6400 अभी नहीं लिखा हुआ क्योंकि आपकी इनकम स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है। अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, कि भाई आप इसको ना एक्स कंसिडर कर लिया करें, इसमें ऐड करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐड करें 5596 इज इक्वल टू करते हैं 27404, ये देखें एक्स प्लस 5596 इज इक्वल टू 27404, शिफ्ट कैलकुलेशंस इक्वल टू, तो 21808 ये वाली वैल्यू आपने यहां पर आके रिकॉर्ड कर देनी है। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये बैलेंसिंग वैल्यू बनेगी इधर, अब इसको बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर कैसे, ये आप कैपिटल 16000 इसको फिर एक्स कंसीडर कर लें, तो आप कैलकुलेटर पे अब इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से बताएंगे, 16000 प्लस एक्स माइनस ड्राइंग 592 इज इक्वल टू ये 21808, इसको सॉल्व करेंगे 6400 पॉजिटिव है तो प्रॉफिट्स, नेगेटिव आ जाए तो लॉस, ये 6400 आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी, यही 6400 आपने उठाना है और अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यहाँ पर आके पुट कर देना है। अब अगर आप लोग देखें तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है, अदर इनकम ऐड करें, क्या चीज लेस करें कि 6400 आ जाए, फिर यहाँ पर इक्वेशन आप एक बना लें, 13009 प्लस 98 माइनस क्या किया जाए कि आंसर आ जाए 6400, तो ये आपके पास आंसर आ गया 6707, तो ये एक्सपेंसेस की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर दी 6707 और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोग अपने जरा ट्रायल बैलेंस में से देखें ना, तो हमारे पास अपने एक्सपेंसेस का टोटल करें तो हमारे पास सेम एक्सपेंसेस ही आएंगे 6707, ये देखें, सबसे पहले आप देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां से आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिला 1830 और यहां से 470, 1830 प्लस 470 प्लस, अब इन एक्सपेंसेस के बाद प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 112, तो आप ये 112 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे प्लस, अब अपने ट्रायल बैलेंस में से देखते जाएं कि आपके पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आने हैं, तो हमारे पास एक्सपेंसेस अब आ रहे हैं सैलरीज से, हमारे एक्सपेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं 2790, हम लोग यहां से इसका स्टार्ट लेंगे 2790, 2790 प्लस, उसके बाद अगर आप लोग देखें यूटिलिटीज एंड सैलरीज हो गया, ये हमारे पास रेंट 760 प्लस, यहां पर देखें डिस्काउंट्स नहीं आएंगे 480 प्लस, इसके बाद देखें 265 670 से तमाम एक्सपेंसेस को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और इस तरह से बेटा हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, मजीद इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।